हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। BEML ने लॉन्च किया स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया माइनफील्ड मार्किंग डिवाइस। लद्दाख के डेफ्थ एरियाज में चाइनीज मिलिट्री की एक्सरसाइज के बाद इंडियन आर्मी चीफ का आया बयान। एलओसी के पास अपनी आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट पर इंडियन आर्मी ने ओपन करी एक कॉफी शॉप। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाली स्विस ओरिजिन की एविएशन क्लॉक को रिप्लेस किया जाएगा स्वदेशी क्लॉक से। और स्पेस एप्लीकेशंस में न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रही है इसरो। आज बुधवार को BEML द्वारा मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया है। और आसान शब्दों में आपको समझा दें कि इतने लंबे चौड़े नाम वाला ये इक्विपमेंट कुछ और नहीं बल्कि माइनफील्ड्स के मार्किंग और फेंसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक खास तरह का डिवाइस है, जिसे BEML ने टाटा 6x6 ट्रक के ऊपर माउंट किया है। और पुणे में स्थित DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी ने ही इस खास टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से BEML ने इस पूरे इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करी है। और इस इक्विपमेंट की सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल करके काफी तेजी से माइनफील्ड्स की मार्किंग और फेंसिंग की जा सकती है। और ये एक पूरा सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी कि इसके रहते माइनफील्ड्स पर मार्किंग या फेंसिंग करने के लिए बहुत ही कम ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि माइनफील्ड्स में मार्किंग और फेंसिंग करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए ये सिस्टम बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये इक्विपमेंट 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा की मिनिमम रेट के साथ मार्किंग और फेंसिंग का कार्य पूरा कर सकता है। और इस कार्य के दौरान जो माइनफील्ड्स के लिए पिकेट यानी कि एक तरह का खूंटा लगाया जाता है, तो इस सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि ये उस पिकेट को, हिंदी में कहें तो उस खूंटे को, 450 mm की अधिकतम गहराई तक और 5 मीटर के स्टेप में 10 से 35 मीटर की स्पेसिंग के साथ उनको प्लेस कर सकता है। और इस सिस्टम को खास करके ऑल वेदर कंडीशंस में पंजाब और राजस्थान जैसे सेमी डेजर्ट और डेजर्ट प्लेन्स में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस सिस्टम में करीब 15 किलोमीटर तक की लेंथ की पॉलीप्रोपिलीन रोप यानी कि रस्सी और करीब 500 पिकेट्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि लद्दाख के डेप्थ एरियाज में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया है, तो अब इसके बाद अभी हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से भी लद्दाख को लेकर एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उनका कहना था कि भारत और चीन ने लद्दाख के जिन क्षेत्रों से डिसंगेज किया था वहां पे किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं देखी गई है और दोनों ही पक्षों की तरफ से पेंगोंग त्सो के डिसंगेजमेंट को पूरा सम्मान दिया गया है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान जिस तरीके से हम भी अपनी ट्रेनिंग एरियाज तक आए हैं, तो उसी तरह चीन भी अपने ट्रेनिंग एरियाज तक आया है और वहां पर एक्सरसाइज उसकी चल रही है। बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस ने चाइनीज फोर्सेस की सभी मूवमेंट्स पर करीब से नजर रखी हुई है। और समर सीजन स्टार्ट होने के साथ ही इस कैंपेनिंग सीजन के दौरान इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिलिट्री पोस्चर को मजबूत किया है। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इस बार भारत कोई भी चांस नहीं लेने वाला है। और इंडियन आर्मी की तरफ से पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि इस चाइनीज वायरस पैंडेमिक का असर भारत की सीमा की सुरक्षा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। और एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट और एनालिसिस करके ही उन सभी क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे हम सुरक्षा को किसी भी कीमत पे कम नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा था कि एलओसी के पास किसी कॉफी शॉप में बैठकर आप गर्मा गर्म कॉफी का आनंद ले सकते हैं? क्या ये सुनने में ही काफी अजीब सा लगता है? और पिछले साल तक तो ये लगभग नामुमकिन सा था क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन चरम स्तर पर था। लेकिन अब जब से इस साल फरवरी के महीने में दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, तो उसके बाद से यहाँ की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार भी देखने को मिला है। और अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि एलओसी के साथ जम्मू कश्मीर में उरी फॉरवर्ड पोस्ट पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक कॉफी शॉप को ओपन किया गया है। और एक कॉफी शॉप इंडियन आर्मी के लास्ट फॉरवर्ड पोस्ट कमान अमन सेतु पर है, जो न केवल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि देश भर के सभी लोगों के लिए ओपन है। और इंडियन आर्मी का कहना है कि इस कॉफी शॉप को खास करके इसलिए खोला गया है ताकि हर कोई इसको विजिट कर सके। और एक कॉफी शॉप खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक मोटिवेशनल पर्पस के लिए भी है। बाकी अगर आप में से कभी कोई इस कॉफी शॉप को विजिट करेगा तो हमें अपनी पिक्चर जरूर भेजिएगा। इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स ने एक खास तरह के मोबाइल लो प्रेशर ऑक्सीजन सिस्टम को विकसित किया है। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकता है ताकि उसे चाइनीज वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स की ऑक्सीजन सप्लाई को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये सिस्टम दिल्ली गैंड के बेस हॉस्पिटल में ऑलरेडी फंक्शनल भी हो चुका है। इसके अलावा एक दुखद खबर भी सामने आई है और वो ये है कि इंडियन आर्मी के कोरोना वॉरियर कर्नल डॉक्टर विनोद कुमार ने चाइनीज वायरस के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में उन्होंने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है और इस चाइनीज वायरस की वजह से ही उनकी कल मृत्यु हो गई है। बाकी केरल में स्थित उनकी नेटिव प्लेस में आज सभी कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए इंडियन आर्मी ने अपना पहला कोरोना वॉरियर खोया है।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कर्नल डॉक्टर विनोद कुमार की आत्मा को शांति मिले। इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाली स्विस ओरिजन की एविएशन क्लॉक को अब स्वदेशी तौर पर विकसित की गई डिजिटल क्लॉक से रिप्लेस किया जाएगा और इन MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स में इस स्वदेशी डिजिटल क्लॉक को इंस्टॉल करने का जो कार्य है वो नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो करेगी। वैसे आपको बता दें कि एविएशन की लैंग्वेज में इस डिजिटल क्लॉक को क्रोनोमीटर के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल केवल टाइम के लिए नहीं बल्कि और भी अदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए होता है। और अब जिस स्वदेशी डिजिटल क्लॉक को इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स में इंस्टॉल किया जाना है, इसे पब्लिक प्राइवेट कॉमर्शियल एंटिटीज के कोलैबोरेशन के साथ विकसित किया गया है और ये इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री स्पेसिफिकेशंस और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ही बनाई गई है और ये क्लॉक जो फ्लाइंग टाइम बीत चुका है उसका ट्रैक भी रखती है और बाकी इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा एक न्यूज़ है भारत के स्पेस सेक्टर से, जहां भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो स्पेस एप्लीकेशंस के लिए अब न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करने की योजनाओं पर काम कर रही है और जिसके तहत 28 जनवरी 2021 को इसरो के युवा राव सैटेलाइट सेंटर ने 100 वाट के रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को 3 फेज में डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल जारी किया था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो ये रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाली टेक्नोलॉजी है, इसे शॉर्ट फॉर्म में RTG के नाम से जाना जाता है, ये इसरो के भविष्य के प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। और जबकि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन AS किरण कुमार का कहना है कि ये RTGs एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और सोलर पावर का ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और इसके तहत हम न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव एनर्जी को अदर सोर्स ऑफ एनर्जी के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक पूरी तरीके से अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर भी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल और उसके 11 बुलेट्स बरामद हुई हैं और ऑफिसर्स का कहना है कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं इन्हें क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। बाकी इस मामले की आगे की जांच जारी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि अपकमिंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की रडार्स को इंस्टॉल करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान में करीब 850 एकड़ तक की जमीन को आइडेंटिफाई किया है। हालांकि जो ये लैंड आइडेंटिफाई की गई है यह भी नहीं बल्कि पहले ही कर ली गई थी। बाकी अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई है तो आप भी इस वीडियो के लाइक बटन को आइडेंटिफाई करके उसे लाइक करके जाएं। कल के जो हमारे top 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।